हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जो है क्लास थर्ड में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर नंबर 10 आपका दिया हुआ है द सॉन्ग ऑफ द इंजन। ठीक बच्चों, द सॉन्ग ऑफ द इंजन यानी कि इंजन का गीत या गाना। ठीक है, चैप्टर 10 आपका द सॉन्ग ऑफ द इंजन आपको जो है आपका यच अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू गेट द नेम्स ऑफ द फ्यू थिंग्स कुछ सेंटेंस दिए गए थे और उनको जो है आपको उनके पिक्चर से मैच करना था। ठीक है बेटा, ये आपको जो है पिछले वीडियो में कराया गया था और आज जो है आपका चैप्टर नंबर 10 द सॉन्ग ऑफ रिंजन क्रिस्टीन वेदरली, ठीक है, के राइटर है। इसमें बेटा आपको आता है व्हेन यू ट्रेवल ऑन द रेलवे एंड द लाइन गोज अप अ हिल, यानी जब आप रेलवे में यानी रेल जो है आपका आप यात्रा करते हैं और द लाइन गोज अप अ हिल और लाइन जो होती है लाइन होती है पड़ती होती है वह एक पहाड़ी पर जो हो जाती है। जस्ट लिसन टू द इंजन, आप जो इंजन को ध्यान देकर सुनिए एज इट पुल्स विथ यू विथ अ विल, वह जो है पूरी शक्ति से जो है आपको खींचती है उसको खींचती है और तो इट गोज टू वेरी स्लोली और जो बेटा वह जो है ऊंचाई पर जाती है वो धीमे धीमे गति से जो है जाती है स्लोली धीमे धीमे गति जाती है। इट सिंग दिस लिटिल सॉन्ग और यह जो है यह गीत गाती है आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ एंड और सो इट गोज अलॉन्ग और इस तरह से जो है वह ऊपर चली जाती है आगे बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, बट लेटर ऑन द जर्नी और बाद में जर्नी के बाद में यात्रा के बाद में व्हेन यू आर गोइंग डाउन द हिल, जब तुम बेटा पहाड़ी के ऊपर जो है नीचे आप आते हैं डाउन और हिल, ठीक है, गोइंग डाउन द हिल पहाड़ी की चोटी से नीचे आते हैं द ट्रेन रिक्वायर नो पुलिंग, तो जो है ट्रेन को खींचने की आवश्यकता नहीं होती है, ढलान होता है आपका। एंड द इंजन सिंगिंग स्टील और इंजन जो है जाती बता इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, आप उसको शांति से सुनते हैं इसे यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग आई थॉट आई कुड। ठीक है, हाँ मैं कह रहा है कि मैंने यह कर दिया एंड सो इट स्पीड अलॉन्ग और उसकी स्पीड जो है इस तरह से बढ़ती जाती है। ठीक बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 10 द सॉन्ग ऑफ इंजन का एक्सप्लेनेशन था और इसमें आपका जो है पेज नंबर 51 पे आपका दिया है अपर चेकअप में ए कंप्लीट जो सेंटेंस है विद द फॉलोइंग वर्ड, पेज नंबर आपका है 51 पेज नंबर 51 पे दिया है ए कंप्लीट द सेंटेंस है complete sentences with the following words with the following words complete sentences with the following words। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इन्हीं की सहायता से इस ऑफ इन द ब्लैंक को सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, पहला आपका लिटिल एल आई डबल टी एल टी लिटिल, नेक्स्ट आपका क्वाइट में Q U I T L Y
क्वाइटली जल्दी जे ओ यू आर एन टी वाई जे ओ यू आर एन टी वाई जर्नी। नेक्स्ट आपका है डी ओ डब्ल्यू एल डाउन डी ओ डब्ल्यू एल डाउन। नेक्स्ट आपका है पुलिस पी यू डबल एल आई पुलिस पुलिस। एंड लास्ट वर्ड आपका इंजन जी आई एन इंजन ठीक है बेटा। ये आपके जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको इन्हीं वर्ड के सहायता से जो है आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है ठीक है बेटा। देखते हैं पहला पद है बट लेटर ऑन द बीयूटी बट लेटर ऑन द बट लेटर ऑन द फिर द ब्लैक कॉमा वेयर यू आर गोइंग व्हेन यू आर going single black a hill ठीक है single black a hill comma the train requires slow the train requires slow single black and the fingerprint singing skill singing skill ठीक है जॉन singing skill if you listen very if you listen very very listen very in the back if you listen very in the back you will hear this you will hear this in the back ठीक है बेटा। ये आपका क्या है आपका बॉक्स में दिए गए वर्ड की सहायता से आपको इसे सिंगल ब्लैंक को सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उधर आप देखेंगे तो का ने सेकंड स्टेप आपका है बट लेटर ऑन द जर्नी ठीक है बट लेटर ऑन द जर्नी यहाँ पर क्या है आपका जर्नी को हम तक देख सकते हैं आपका यहाँ पर जर्नी रहेगा बट लेटर ऑन द जर्नी लेकिन जो है बाद में यात्रा के बाद में ठीक है जर्नी वेन यू आर गोइंग फिंगर ब्लैंक और हिल जब आप बेटा जो है कहाँ रहते हैं जब आप यात्रा के बाद में आप जो है डाउन और हिल पहाड़ से जो है पहाड़ी की चोटी से जो है कहाँ आते हैं बेटा नीचे जा रहे होते हैं नीचे जा रहे होते हैं तो आपका वेन यू आर गोइंग डाउन डी ओ डाउन हिल गोइंग डाउन अ हिल द ट्रेन रिक्वायर नो तब जो है बेटा जब आप पहाड़ी की चोटी से आप नीचे आते हैं तो आपको जो है ट्रेन को जो है खींचने की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेन रिक्वायर नो पुलिंग क्या जाएगा पुलिंग मीन खींचना पुलिंग खींचना होता है पी यू डबल एल आई द ट्रेन रिक्वायर पुलिंग एंड द इंजन सिंगिंग स्टील एंड
क्या होगा का सिंगिंग, क्या बोलेंगे बेटा सिंगिंग, सॉरी इंजन, एंड द इंजन क्या होगा इंजन, जी आई एन एस, ठीक है, एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, यदि आप बड़ा इसको क्या करेंगे सॉन्ग इंजन जो है धीरे धीरे जो है नहीं करता है गाता है वैसे भी नीचे आता है, यदि आप तो उस ध्यान से बहुत ध्यान से क्या कहते हैं सुनेंगे, इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, ठीक है, इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली यू यू आर ठीक है, इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं यू विल हियर दिस, ठीक है, यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, ठीक है, यू विल तो आप जो है क्या करेंगे सुन सकेंगे लिटिल सॉन्ग इसको एल आई डबल टी एल टी, आप इस छोटे गीत को जो है आप सुन सकेंगे, ठीक बेटा लिटिल सॉन्ग, ठीक बच्चों इस तरह से जो है ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस कंप्लीट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स कंप्लीट करने का है, भी आपका दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसे आप होमवर्क पे करेंगे, एक बार सी दिया आपके ग्रामर यूनिट में डिस्क्राइब इट वर्ड, डिस्क्राइब इट वर्ड ठीक बच्चों यहाँ पर दिया आपका डिस्क्राइब इट वर्ड करेक्ट विद द ब्लैंक विद द सी है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड D E S P R I B I N G describing word, ठीक बच्चों यहाँ पर जो है आपको विद ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स से जो है आपको कंप्लीट करना है इसे, फर्स्ट आपका टाइगर है ब्रैकेट में दिया बच्चे आपका हाई और ब्लैक, black stripes on its body, yes, the eye in the stripes on its body, ठीक है, अब रखे टाइगर के बाघ था का टाइगर उसके जो है शरीर पर स्ट्राइप की धारियां होती है, ठीक है, उसके शरीर पर जो है धारियां होती है, आप देखेंगे करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हाई जो तो ब्रैकेट में दिया है हाई या ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा होगा उसके टाइगर के शरीर पे स्ट्राइप धारियां होती है ब्लैक, ठीक है,
ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी. टाइगर है ब्लैक स्ट्राइप्स. ठीक है, क्या होता है एक्स्ट्रा ऑन ब्लैक. ठीक है, टाइगर है ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी. ठीक बच्चों, नेक्स्ट आपका सेकंड द ग्रेप्स आर. The grapes are, fill in the blank, bracket में बेटा का sweet, ugly, pimply, yum, pimply one. ठीक है, कवर द ग्रेप्स आर अंगूर. ग्रेप्स मीन अंगूर है. ठीक है, अंगूर होते हैं. टीचर बता के स्वीट या इम्पटी मीठा लेता है. स्वीट मीन मीठा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मीठा. इसलिए तो आपका जो करेक्ट क्या की वर्ड होगा उसका होगा आपको बता सके के लिए स्वीट. द ग्रेप्स आर स्वीट. ठीक है, द ग्रेप्स आर स्वीट. The grapes are sweet. थर्ड बेटा आपका नीना है. नीना है फिर द ब्लैक आर ब्लू एंड राउंड ऑब्लिक कर्ली. राउंड ऑब्लिक कर्ली डिवाइड बाय हेयर एच ए आई आर. ठीक है, नीना लड़की है. नीना उसका नाम है. नीना या नहीं रे नीना है. नीना जो है राउंड में गोल होता है और कर्ली में होता है घुंघराल. ठीक है, और हेयर के बाल. नीना जो है बाल कहते हैं राउंड है या फिर कर्ली है. ठीक बेटा, ये आप जो है स्वयं करेंगे. फोर्थ आपका जो आप करेक्ट वर्ड होगा उसे आप चूज करके लिखेंगे. फोर्थ है चीजा स्लीप्स ऑन ए. चीजा स्लीप ऑन ए. चीजा स्लीप ऑन ए फिंगर ब्लैंक बिटर ऑब्लिक. बिटर ऑब्लिक एस ओ एस टी सॉ पीलो. ठीक है, जो पिज्जा है पिज्जा स्लिप ऑन ए. पिज्जा जो का सोती है किलो मीन तकिए पर. क्या तकिए सोती है और देख के साथ का बेटर है या फिर सॉफ्ट है गड़वा. तो क्या सकता है सॉफ्ट मीन मुलायम. तो यहाँ से आपका जो सुटेबल एडजेक्टिव होगा उसके लिए आप जो है लिखेंगे. फिर से बता आपका मंजीत बाट और MNJIT मंजीत पार्थ. मंजीत पार्थ इन द ब्लैंक कलरफुल सी ओ एल ओ यू आर हैप्पी. कलरफुल ऑब्लिक हैप्पी. ऑब्लिक हैप्पी अम्ब्रेला. ठीक है, मंजीत से जो है लिखा अम्ब्रेला में छाता खरीदा. ठीक है, मंजीत से छाता खरीदा वो कैसे बताता कलरफुल रंगीन था या फिर हैप्पी खुश. ठीक है, तो ये जो इसके लिए जो है आपका चॉकलेट होगा उसके लिए जो है आप इसमें से चूज करके इस ब्रांड को कंप्लीट करेंगे. ठीक है,
ठीक है। और इसके बाद बी दिया अपना एंथ्रोपिक वाली क्वेश्चन या जो होमो प्रोपगेशन क्वेश्चन था चैप्टर 3 बी एम का एंटर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट आपका व्हाट डज द इंडियन सी व्हाट डज द इंजन सिंग व्हाट डज द इंजन सिंग when it goes up a hill when it goes up a hill ठीक है goes up a hill यानी what are the interesting इंजन जो है क्या गाती है ठीक है इंजन क्या गाती है जब वह पहाड़ी रूप में जब जाती है तो वह क्या कौन सा गीत गाती है वह कहता है When does the train need any pulling? When does not the train need any pulling? ठीक है जब कहानी कब जो है ट्रेन को किसी मतलब ट्रेन को खींचने की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है कि मैंने बताया कि जब पहाड़ी से जब वो जर्नी के बाद जो पहाड़ी से नीचे आती है तब उसे खींचने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन के बेटा आपको जो है होमवर्क से कमी करने हैं और नेक्स्ट दिन बेटा जो है आपको इसके आगे बढ़िया स्पीकिंग ये आपको जो है नेक्स्ट दिन बताया जाएगा तब तक के लिए बाय बच्चों।